Hey guys, welcome back to my channel again. तो अभी मैं दीदी के घर में हूँ. आज मैं वापस जाऊँगी और आज मेरा फास्ट भी है. तो अभी तो मैं सिर्फ आज पूरा दिन फ्रूट्स और दूध ये सब चीज़ें खाऊँगी. फिर शाम के टाइम जब मैं घर जाऊँगी उसके बाद मैं मंदिर भी जाऊँगी पूजा करने के लिए. तो यार मैंने आपको एक बात बतानी थी. जो मेरा पिछला व्लॉग था ना, मेले वाला व्लॉग, मतलब मैंने अभी आज सुबह जब मैं सोकर उठी तब मैंने न्यूज़ देखी. उसमें से ना एक मतलब झूला था वो ना, मतलब उसके उसमें तीन चार वायर्स लगी थी. उसमें से एक वायर टूट गई और वो झूला नीचे गिर गया. तो मतलब काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं हॉस्पिटल, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है. तो अभी मुझे भी ऐसे शॉक लग रहा था. दीदी तो मुझे बहुत मतलब सुना भी रही थी कि तुम फालतू में से जाते हो, जाना नहीं चाहिए. बट वो तो मतलब वैसे कोई सोचता नहीं है कि ऐसे होगा, बट फिर भी बी केयरफुल. मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ऐसे हमें मतलब बड़े बड़े ज़्यादा बड़े झूलों में नहीं जाना चाहिए. अब आगे से मैं भी ध्यान रखूँगी और आप लोग भी देखना एक बार कि मतलब जो ज़्यादा मतलब ऊंचे या फिर ज़्यादा खतरनाक वाले झूले उसमें ना जाए. काफ़ी लोग मतलब छोटे बच्चे भी थे उसमें और इतने बुरी हालत से लगी है उनको चोट. और जो झूले वाले लोग थे वो भाग भी गए. तो ज्ञान में इसलिए बांट रही हूँ ना कि मैं तो मैं सुधरगी ना. तो मैं सबको बता रही हूँ कि एक बार देख के ही नहीं मैं जाऊँगी. मैं डर गई थी यार कि अगर मैं उधर होती या कोई भी मतलब हमारे घर से होता तो सबको अपने अपने घर का ऐसा. अभी तक मुझे सुना रही है. तो आप लोग भी ध्यान रखें, ध्यान से जाए, मैं भी ध्यान रखूँगी. तो खाना तो खा नहीं सकते लेकिन मैंने अभी दूध बनाया है अपने लिए, दूध पी लेती हूँ. बोल कर ले यार दीदी, मेरे को वॉमिट. दीदी एक और पिला, एक और कप पिला रही है दूध का. और उनकी तबीयत खराब हो जाती है. एक अभी इतना बड़ा कप पिया मैंने, फिर से दूसरा पी रही हूँ. तभी तुम भूख से मतलब बोरे मेरे पास निकलने वाले नाटक जहाँ तक कुछ रहते हो ना वहाँ पे भूख करा मेरे एक ग्लास में एक कप पी लेना कप दूसरा. मैं जा रही हूँ वापस. बाय कर दो. बाय बाय. ओके बाय मैडम. चल दीदी देख लीजिए. नहीं चलते. तो मैं अब आ गई हूँ दीदी के घर से. अब जा रही हूँ रूम वापस. और इतनी हालत ख़राब हो गई है ना भूख से, ऊपर से तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है. तो उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर. घर हम जा ही रहे हैं लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं बाइस की मार्केट. मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है, उसके बाद जाएंगे सीधा रूम और फिर मंदिर. तो हम पहुँचे सतारा. अब हम जा रहे हैं मार्केट. और ये गधा ना 24 घंटे सोता रहता है. मुझे इससे बहुत गुस्सा आता है, हमारी लड़ाई इस वजह से होती है. सोता ही रहता है. तो मैंने लिया है मार्केट से ब्लॉग ट्राइपॉड. और मैं इसके अनबॉक्सिंग रूम पे जाके करूँगी, देखती हूँ कैसा. वैसे मैंने शॉप में डेमो देखा था, अच्छा है. और मैं रूम पे जाऊँगी, आप सबको दिखाती हूँ कैसा रहता है. कुल्लू खा रहा है गोलगप्पे लेकिन मैं तो खा नहीं सकती, मेरा फास्ट है. मैं कल खाऊंगी. सो अब करते इसको अनबॉक्सिंग. आज के बाद सारे व्लॉग्स इसमें बनाऊंगी. अब कुल्लू को मेरी स्टिक बनने की जरूरत नहीं. मतलब कुल्लू तो बनेगा ही ऑब्वियस, पर उसको भी थोड़ा मतलब अब वो मिल जाएगा कि हाँ ये खुद को भी ले सकता है. तब खोलते हैं इसको कि ये कैसे काम करता है. तो ये मुझे पड़ा है 1800 का. मुझे कुछ सीजन ऐसे भी कर देता है. तो ये है कुछ ऐसा. और इधर ये वाली चीज़ ऐसे लगेगी.
हाँ और इसको हम ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। फोन लगा जा रहा है इसमें और ऊपर ऐसे मतलब जितना आपको चाहिए होगा उतना हम इसको कर सकते हैं स्टिक। और इसका ऐसे ये ओपन भी हो जाएगा और ये ऐसे ट्राइपॉड भी हो जाएगा। अब फोन लगा कर देखती हूँ। तो यार ये तो बहुत हुआ। नाइस। तो अब बनाएंगे हम इसी से सारे ब्लॉग और अब मेरे ब्लॉग्स और भी ज्यादा अच्छे होंगे। अब तो सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया होगा। बहुत लोग ऐसे हैं वीडियोस देख लेते हैं सब्सक्राइब करते नहीं नहीं कमेंट करते। तो मैं कैसे बनाऊंगी फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जब आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे कि हाँ ब्लॉग अच्छा था कमेंट करोगे तभी मैं बनाऊंगी हर रोज ब्लॉग्स। सो नाइस अच्छा है। तो फ़ोन से ही बनाती हूँ तो यहाँ पर फ़ोन लग जाएगा पर कोई जिसके पास कैमरा है उसमें कैमरा भी लग जाएगा। मैंने अंकल से पूछा था तो क्या पता मैं फ्यूचर में कैमरा ले लूँ तो फिर कैमरा भी लग जाएगा इसमें। तो बस यही था एक छोटा सा मेरा टूल। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। अब चलते हैं जल्दी से मंदिर और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। शाम के 5 बज गए। बस जल्दी जल्दी से पूजा करके फिर आकर कुछ बना के फिर व्रत तोड़ देती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं गाड़ी में और हम ना चंडीगढ़ के 8 सेक्टर में जा रहे हैं। मंदिर है वहाँ पे वहीं जा रहे हैं साथ में मेरा भाई है। ये देखो मेला लगा हुआ है। कौन सा सेक्टर है कुलू? 20 सेक्टर। 20 सेक्टर में देखो मेला लगा हुआ है बट हम मेले में जा नहीं रहे। मेरी ना भी बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है बाहर जाने की। यहाँ पे मेला लगा हुआ है बट मैं बाहर जा नहीं सकती मतलब अब तो हालत ख़राब हो गई। वैसे ना मैं बहुत ज़्यादा कम फास्ट रखती हूँ कभी कभी जैसे शिव जी का हो गया कृष्ण भगवान का हो गया मैं बहुत रेयर ही रखती हूँ। वो भी मैंने अभी शुरू किया है इसी साल ही रखे होंगे मैंने 1-2 फास्ट ना उससे पहले मैंने कभी रखे नहीं थे। और कुल्लू की कैसी हालत है? कितना टाइम खाना खा लिया? 2 बार खाने के बाद ना ऐसा बोल रहा है कि मैं बाहर मेले में जा नहीं सकता क्योंकि मेरे को चक्कर आ जाएगा। इतनी भूख है इसको लगी हुई। मैंने रात से लेकर खाना नहीं खाया फिर भी मैं भी बिल्कुल फ्रेश हूँ। हाँ भूख तो लगी रही है बट फास्ट का भी एक अपना ही है मतलब फास्ट का भी अलग ही होता है कि भगवान के बारे में मतलब भगवान के लिए फास्ट रखोगे तो ये सोचना नहीं पड़ता कि मुझे भूख लग रही है ये लग रहा है वो तो ऐसे फास्ट हो नहीं पाता है फिर। तो ये हम पहुँच गए फाइनली मंदिर। चलते मंदिर। बस गाड़ी पार कर रहे हैं चप्पल हम गाड़ी में ही छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मंदिर तो बिल्कुल पास ही है। ये रहा मंदिर। काम नहीं जानोगे तो गाली सुनना पड़ेगा भाई। निकाल दे शेक पी लेते हैं क्योंकि थोड़ी मतलब अभी रात को भी कुछ नहीं खाना है नेक्स्ट डे खाना है मतलब जो हमारे में फास्ट रखते हैं नेक्स्ट डे खाते हैं रात को या फिर रात को 12 बजे खा सकते हैं पर 12 बजे कौन उठेगा खाने के लिए। तो अभी शाम को कुछ ऐसे बनाते हैं जो फास्ट का खाना होता है तो अभी शेक वाला है अभी शेक पी लेते हैं। आज
जानबूझ के खा रहा है ये, देखो जानबूझ के खा रहा है ये अभी रोल ना। वैसे ये हर रोज जब हम शेक पीते हैं तो ये भी साथ में शेक पी लेता है। आज बोला कि मेरे को ना शेक पीने का मन नहीं क्योंकि मेरा फास्ट है ना इसके लिए, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं लालची नहीं हूँ, ये लालची है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा है अपने ऊपर कंट्रोल। 20 मिनट लगा लिए इसने एक रोल को खाने के लिए, और मेरे को घर जाने में पता कितनी ज्यादा लेट हो रही है क्योंकि मेरे को खाना भी बनाना है इसके लिए, तो बनाना ही बनाना है अपने लिए। कुछ आलू वगैरह जो भी फास्ट का खाना होता है कुछ ऐसा बना दूंगी। बहुत हो गया खाने, मैं नहीं खा सकता यार। कल आइयो। आलू प्याज आ चुके हैं अब जो है खाने में। तू बनाइयो आज खाना। तो मैंने ले लिया है घर के लिए सामान खाना बनाने के लिए, दही हल्दी, हल्दी भी खत्म हो गई थी, और सेंधा नमक जो कि हम फास्ट में खाते हैं, और लिया आलू और प्याज। तो आज मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी। अब जाती हूँ घर और फटाफट से खाना बना देती हूँ। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आई हैव मेड दीज ब्राउन राइस एंड आलू कड़ी। हाँ भाई गाइस ये कड़ी दिख रही है एंगल से दिख रही है, ये दही कड़ी है, ये ऐसी होती है कड़ी होती है लिक्विड, बट मुझे ज्यादा लिक्विड पसंद नहीं है। ओ इसमें जो नमक है ना भाई, कुलदीप वीडियो के चक्कर में ना झूठ मत बोल, कसम से बहुत नमक है। तो दही दही ले ले, YouTube की कसम। ठीक है दही ले ले, बहुत नमक। आज ना मैंने सेंधा नमक लाया था, वो उसका मुझे आइडिया नहीं था कि वो कितना डलता है, तभी इतना नमक है यार। तो यार मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे मैंने सुना कि मम्मा ने बोला फास्ट में सेंधा नमक खाते हैं, तो मैंने वो वाला नमक डाला, तो थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया, बट मैं मुझे पता नहीं था कि नमक ज़्यादा डलेगा या कम, इसलिए मैं दही साथ में लेकर आई थी एक्स्ट्रा। अब कैसी है? शेयर सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छी लगती है आपको वीडियो तो शेयर जरूर करें, फैमिली के साथ देखें, फ्रेंड्स को शेयर करें। बाकी थैंक यू सो मच, गुड नाइट।